इरफान पठान के नाचने से जितने पाकिस्तानी फैंस है, पाकिस्तानी आवाम है और पाकिस्तान में रह रहे लोग है, सबको दिक्कत है। अब पता नहीं भाई ये क्या चीज की दिक्कत लेके ये लोग घूम रहे हैं। मतलब यार बंदा खुशी में किसी का नाचा है उसमें भी दिक्कत है। मतलब अब इन लोगों के हिसाब से ना हमारे इंडिया के कोई भी एक्स प्लेयर या कोई भी प्लेयर जो है जो क्रिकेट से रिलेटेड है ना, उन लोगों को ना नाचना चाहिए, ना बातें करना चाहिए, ना कुछ करना चाहिए। मतलब ये लोग ऐसा ही चाहते हैं। अब देखो सीधी सी बात है ना भाई, ये एक जलन है जो हर एक फैंस को होती है जो जब उसके दुश्मन मुल्क के जो कोई क्रिकेटर या फिर कोई भी ऐसे करके डांस करे। तो देखो अफगानिस्तान के लिए हमारे प्लेयर अफगानिस्तान के लिए नाचे, इरफान पठान ने अफगानिस्तान के लिए नाचा, इसमें इंडियन ऑडियंस की तो कोई बुराई नहीं है। मतलब इंडियन ऑडियंस तो इसको अच्छा कह रहा है कि चलो अच्छा हुआ कि हम लोग अफगानिस्तान के जीत में खुश हुए। क्योंकि अगर आप लोग देखे होंगे जितने भी फैंस हो, जितने भी क्रिकेट को फॉलो करते हो, जब इंडियन टीम जीतती है तो अफगानिस्तान के फैंस जो है हमारे लिए खुश होती है। जैसे कि एक यूट्यूब पे चैनल है पठान भाई नाम का, वो हमारे लिए इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमें इंडिया को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि आप कह सकते हो कि भाई हाँ मतलब रियल ट्रू बंदा है जिसको इंडिया बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन वही पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर है जिसको, मतलब जब से अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया है तब से इरफान पठान के पीछे इस तरह हाथ धो के पड़ गए कि भाई अब वो इरफान पठान को क्या ना कर दे। मतलब समझ रहे हो, जो बुरी बुरी बातें, जो बुरी बुरी चीजें मतलब कहे जा रहे हैं इरफान पठान को लेके, मतलब आप समझ रहे हो ना किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इरफान पठान एक मुस्लिम है और ये जो कंट्री हारी है वो भी मुस्लिम है। तो वो सोच रहे हैं कि भाई मुस्लिम क्यों तुम ये कर रहे हो, भाई किया गया तो वो किसके लिए किया गया। अब देखो यहाँ पे मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, मुसलमान मुसलमान भाई भाई है। जैसे आप मान लीजिए अफगानिस्तान वाले भी तो मुस्लिम देश से वाले लोग हैं, वहाँ के प्लेयर्स तो मुसलमान है, हम लोग उनसे क्यों इतना ज्यादा प्यार करते हैं, आपसे क्यों इतना नफरत करते हैं। देखो मुसलमान से हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, हम लोग तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या है कि आपका जो माइंडसेट है, जब आप इंडियन टीम के बारे में इतना ज्यादा बुरा सोचते हो तो फिर हम आपको क्यों प्यार करें। अफगानिस्तान वाले हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, मुझे प्यार करते हैं, वही चीज है। अब देखो इरफान पठान ने क्या हुआ, राशिद खान के साथ डांस किया, उस डांस को लेके काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है जितने भी पाकिस्तान में रह रहे लोग हैं, पाकिस्तान में बैठे हुए जितने कंटेंट क्रिएटर हैं और पाकिस्तान के एक्स क्रिएटर्स तक, कि इरफान पठान कौन होता है डांस करने वाला, इरफान पठान को डांस नहीं करना चाहिए, इरफान पठान किस लिए डांस करते हैं, प्रोफेशनलिज्म को तोड़ रहा है। भाई इसमें प्रोफेशनलिज्म कहाँ टूटा, अगर कोई प्लेयर किसी में खुशी में डांस कर रहा है तो अच्छी बात है ना कि वो डांस कर रहा है। मतलब कोई प्लेयर किसी के खुशी में खुश हो रहा है, आपको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस तरह से डिमोट करना चाहिए कि भाई आप नहीं डांस करते। मतलब इरफान पठान भी आप पूछ के डांस करेंगे कि मुझे किसके लिए डांस करना चाहिए किसके लिए नहीं। तो देखो मैं यहाँ पे ना अपने कंट्री के प्लेयर को सपोर्ट करूंगा इरफान पठान को, बाकी यहाँ पे सबके अलग अलग माइंडसेट है कि क्यों ये है। लेकिन अभी आप देखो कभी भी इंडियन टीम जीतती है बुरे वक्त में जीतती है, जैसे पाकिस्तान को हम लोगों ने पिछले साल हराया था, इस साल भी हराया, अफगानिस्तान के फैंस खुश होते हैं, अफगानिस्तान के क्रिकेटर खुश होते हैं, अफगानिस्तान के जितने जो दिल से चाहने वाले फैन थे इंडिया को सब खुश होते हैं। तो जब अफगानिस्तान जीते तो हम लोग क्यों ना खुश है, अब भाई हम लोग खुश होंगे, खुशी हमारा हक है। और इरफान पठान को लेके जो लोग ये बात कह रहे हैं कि इरफान पठान को खुश नहीं होना चाहिए, भाई सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों ने क्या करना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि इरफान पठान जिस तरह के प्लेयर्स है, जिस तरह के इंसान है ना, वैसा इंसान आपको मिलना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, वैसा इंसान आपको मिल ही नहीं सकता जिस तरह के इंसान इरफान पठान है। और ये चीजें सब लोग जानते हैं। अब बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस वो ये कहते हैं कि इरफान पठान को ना इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए। अबे भाई इंडिया का सिटीजन वो है ऑलरेडी, उसको किस लिए सिटीजनशिप चाहिए, नहीं चाहिए, इरफान पठान ऑलरेडी इंडिया का सिटीजन है। तो इरफान पठान के ऊपर उंगली मत उठाओ, वो हमारे इंडिया का प्लेयर है, हमारे देश के खिलाड़ी, हमारे देश का नागरिक है, वो जो करे हम एक्सेप्ट करेंगे, इंडिया के अंदर है कि हम लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे और हम लोग इरफान पठान से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि इरफान पठान डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इंडिया के इरफान पठान हमेशा पाकिस्तान को ट्रोल करते हैं और उनकी बातों को लेकर, तो भाई ट्रोलिंग तो उधर से भी आती है कि नहीं, इधर से भी ट्रोलिंग जाती है, उधर से भी ट्रोलिंग आती है, तो करा ही जाएगा ना यहाँ पे, ये कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, तुम लोग से प्यार उतना है ही नहीं ना भाई, हमें ट्रोलिंग की जाएगा। बाकी यहाँ पे देखो जो चीज हो रहा है अच्छा हुआ, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान को यहाँ से सबक लेके अच्छे से खेलना चाहिए, ठीक है, आगे स्टेप अप करना चाहिए, खेलना चाहिए। बाकी जितने इंडियन फैन, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर, जितने पाकिस्तानी फैन अगर आपको ये बात से एग्री करते हो आप लोग भी मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे न्यूज क्रिकेटेड और रिलेटेड वीडियोस।